सही, देखो तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, भूख लग रही होगी ना तुम्हें, सुबह से कुछ नहीं खाया। सही सही कहां चली गई? कुछ और लाऊं? मुझे पता था तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, इसीलिए तो ये प्लेट लेकर कमरे में आया था तुम्हारे लिए। लेकिन तुम तो यहाँ पहले से ही सब कुछ चमका चुकी हो। वेरी गुड। नो, मैं क्या करती? पता है आपको मुझे कितनी भूख लगी थी? एक तो मुझे कॉलेज में मौका ही नहीं मिला खाने का, टाइम ही नहीं मिला, और फिर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप पर खड़े 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 मैं इतना थक गई, इतना थक गई, मैं क्या बताऊं, कब से भूख लग रही थी। तो एक बार मुझे कॉल कर लेती, लेने आ जाता। अच्छा, अबे मैं सरप्राइज हो गया होता, मुझे पूछ। और जो इतने सारे सवाल सुनने पड़े, इतने सारे ताने, उन सबसे तो बच जाती ना। जाने दीजिए विराट सर, इन सवालों की, इन तानों की तो मुझे आदत हो गई है। एक साल हो गया करीब करीब मुझे इस घर में रहते रहते। एक साल? इसका मतलब मैं तुम्हें एक साल से भी ज्यादा जानता हूँ और फिर भी समझ नहीं पाया हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा अरे पानी पी लो। अभी ठीक है? छोटी बच्ची हो तुम, कितनी बार कहा है कि खाना खाते वक्त नहीं बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी पटर पटर रुकती है। आपने बात शुरू करी। मेरी गलती है? हाँ, I'm sorry. खाने के लिए थैंक यू। भगवान जाने तुम्हारा क्या करूंगा। सही, अजिंक्य का नंबर देना। अजिंक्य का नंबर? हाँ, तुम्हें याद तो होगा ही ना। आप अजिंक्य का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, और उसका नंबर मुझे क्यों याद होगा? अरे बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारा, तुम्हें तो नंबर याद होना ही चाहिए उसका। अब देखो ना, अगर मेरे पास तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नंबर होता तो वो मुझे बता पाता ना कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ घूम रही है। पहली बात, अजिंक्य का फोन नंबर मुझे याद नहीं है। दूसरी बात, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कॉलेज का फ्रेंड है, कॉलेज का नॉर्मल फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड। और मैं सिर्फ कुछ ही लोगों के फोन नंबर याद रखती हूँ, ऐसे सबके नहीं, सिर्फ उन लोगों के जो मेरी जिंदगी में मायने रखते हैं। मेरा नंबर याद है? ऑफ कोर्स याद है। अब आपके फेवरेट बॉय अजिंक्य के बारे में बात बंद कर सकते हैं प्लीज, या आपको रात भर उसी के बारे में बात करनी है? आपका पता नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, हाथ धो के सोने जा रही हूँ। ये अजिंक्य मेरे दिमाग में अटक क्यों गया है? बार बार सही और उसके बारे में मुझे ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? जब तबीयत ठीक नहीं है तो क्यों पढ़ाई कर रही हो? कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, ये लो। मेरा दिमाग आपके दिमाग की तरह नहीं है, जो कुछ नहीं घुसेगा। किताब की बंद की मेरी। क्योंकि तुम्हारे दिमाग की तरफ जाने वाली सभी सड़कें बंद हैं, इसलिए। परेशान मत कीजिए मुझे प्लीज। नहीं मतलब नहीं, काढ़ा लाओ, पी लो और चलो सो जाओ। नहीं, पहले मेरी किताब वापस दीजिए प्लीज। नहीं कहा ना मैंने, काढ़ा पियो। नहीं, किताब। सही 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 प्लीज, नहीं सही, काढ़ा पियो, काढ़ा पियो। नहीं सही।
इस मामले में तुम्हारी एक भी जिद नहीं चलेगी। चुपचाप काढ़ा पियो और सो जाओ। नहीं पीऊंगी। बैठो, बसा, काढ़ा पियो, चलो। नहीं, कड़वा है बहुत। सही, काढ़ा पियो। आपको पता है, गढ़चिरौली में भी ना, जब मैं बीमार पड़ती थी, आप ऐसे ही काढ़ा बना देते। और आपको पता है मैं क्या करती थी? मैं ना वो काढ़ा पेड़ों को पिला देती थी। सीरियसली? हाँ। तुम्हें पता है? क्या? तुम यहाँ ये सब नहीं कर पाओगी। कड़वाई वराजन मैं नहीं पी रही, नहीं नहीं। देखो अगर तुम खुद पी लोगी तो बेहतर है, वरना मुझे जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं खुद पी लूँगी। लाइए। गुड गर्ल, सो जाओ। कैसे बोलूंगा? हाय विराज सर। हाय। हाय। ये सब आप मेरे लिए लाए? कैसी बात कर रही हो तुम? तो पड़ोस वाली मात्रे आंटी के लिए लाया हूं ना? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। सही, क्या करूं, बोल तो क्या। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं विराज सर, काश मुझे भी आपके लिए कुछ करने का कभी मौका मिले। ऐसा सोचते हो तुम? हाँ। मौका? सही को मेरे लिए कुछ करने का मौका चाहिए? फिर तो ये मेरे लिए बेस्ट मौका है, बोल तू क्या। विराट जवान, यही है मौका। लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। क्या क्या कर रही हो तुम? अरे चेक कर रही हूँ कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। हाँ? नहीं, आप अजीब अजीब सा बिहेव कर रहे हो ना, खुद से बातें कर रहे हो, नर्वस हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बुखार आपके सर पे चढ़ गया हो? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ? तो फिर इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा रहा हूँ मैं? नहीं तो मैं खुशी की घबराहट है। हाँ, खुशी की। खुशी की कौन सी घबराहट होती है? होती है ना, खुशी की घबराहट होती है, खुशी की गुदगुदाहट होती है, तो खुशी की खिलखिलाहट होती है, खुशी की मुस्कुराहट होती है। क्या होता है, खुशी की घबराहट भी तो होती है। बात खुशी की है, खुशी की बात है, लेकिन मुझे घबराहट होती है। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी, पर मैं समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। देखो बस बात इतनी सी है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, हाँ? मेरा एक छोटी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। हाँ तो
ये तो अच्छी बात है ना। हाँ? इसमें घबराहट कहाँ से आई? घबरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि कोई भी इसमें अकेला नहीं जा सकता। सबको अपने स्पाउस के साथ जाना है, माने अपने पति या पत्नी के साथ। ये कैसी अजीब सी ट्रिप है। अजीब सी क्यों? नॉर्मल सी है, ऐसे ट्रिप्स में सब अपने बेटर हाफ्स को लेकर चलते हैं। मुझे बस इस बात की घबराहट है कि मैं कैसे जाऊंगा। मतलब तुम चलोगी मेरे साथ? मैं हाँ तो आपके साथ। हाँ मेरे साथ। मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? हाँ क्यों? मतलब मैं कैसे चल सकती हूँ ना आपके साथ? पर क्यों, तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम नहीं चलोगी तो और कौन चलेगा? अरे हम असली पति पत्नी थोड़ी ना है।